हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? तो मैं आज को दोबारा से एक और फ्रेश न्यू वीडियो में, एंड गाइस यार आज की वीडियो आप सभी माइनक्राफ्ट प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली, क्योंकि यार अगर आप लोग भी मेरी तरह नॉर्मल माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल मैप खेलते खेलते थक चुके हो, तो अगर आप लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो यार। क्योंकि यार आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ वन ब्लॉक मैप, जो कि यार थोड़ा सा अलग है। ये जो वन ब्लॉक है उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों को नॉर्मल वाला वन ब्लॉक के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो चलो यार आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो यार बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार जैसे हम लोग वर्ल्ड को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे स्पॉन होते हैं, एंड यहाँ पे हम लोगों को एक क्विस्ट बुक देखने को मिलता है जिसको हम होल्ड करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे चार बुक देखने को मिल जाता है जो कि अलग अलग लैंग्वेज का है। जो इंग्लिश वाला है उस पर देख सकते हो आप लोगों को क्या कुछ किस तरीके से क्राफ्ट वगैरह करना है, एंड आपको इसके अंदर क्विस्ट जो भी है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है यार वन ब्लॉक के सेम टू सेम है, वन ब्लॉक की तरह आप लोगों को इसी ब्लॉक को माइन करते रहना है। एंड नाउ आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर दिखाता हूँ कि इसके अंदर नया क्या चीज है। तो सबसे पहले हम लोग क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, एंड मैं क्राफ्टिंग टेबल बना के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, एंड देख सकते हो मैं क्राफ्टिंग टेबल के अंदर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एंड जैसे आप लोग देखो नीचे आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो ऐड हुई है वो देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। मैं आप लोगों को जस्ट दिखाता हूँ, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे एडवांस मशीनरी वर्ल्ड माइनर, इन सभी का अलग अलग यूज़ है गाइस, एंड इन सब का क्या यूज़ है वो आप लोगों को इन्हीं बुक में पता चल जाएगा आप लोग बुक को पढ़ोगे तो। एंड यहाँ पे इसमें यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो यार अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो तो इसको जरूर से एक बार ट्राई करना। अगर आप लोग कुछ अलग करना चाहते हो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर। एंड गाइस यार ये देख सकते हो ये मेरा मॉडेड वन ब्लॉक का जो मैप है वो है, इसके अंदर मैं खेलता हूँ गाइस। यहाँ पे देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा मशीनरी वगैरह भी ऐड करी है, जिसके अंदर देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ नेदर के सामान वगैरह मिलते हैं, एंड यहाँ पे एडवांसमेंट मशीनरी जो है वो मैंने ऐड करी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, मैंने इसको यार खुद ट्राई किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो सोलर पैनल जो है वो भी अलग अलग इसके अंदर बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे मैंने पावर कोर वगैरह भी लगा रखा है, एंड ये मेरा वर्ल्ड है गाइस जिसके अंदर मैं ये जो मॉडेड वन ब्लॉक है वो खेलता हूँ। एंड यहाँ देख सकते हो जो वन ब्लॉक था गाइस यार वहाँ पे है ऊपर, यहाँ पे मैं मर चुका हूँ, एंड यहाँ पे मैं गिर के मर गया गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा मॉडेड वन ब्लॉक था वो यहीं पे था। एंड इसके अंदर यार एक और चीज़ जो आप लोगों को देखने को मिलती है वो है आउट ऑफ ब्लॉक ब्रेकर, मतलब कि मैं अगर यहाँ पे प्लेस कर दूँ उसको तो वो जो है वन ब्लॉक को अपना आप ही तोड़ेगा, एंड इस चेस्ट के अंदर सारे सामान भी भेज देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। नाउ यहाँ पे मैंने मॉब स्पॉनर भी लगा रखा है जो इसके अंदर बनाया जाता है, वो मैंने यहाँ पे देख सकते हो लगा रखा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो यार यहाँ पे डायमंड का सीड भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग खुद ट्राई करोगे यार तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, एंड ये जिससे डायमंड भी मिलते हैं। तो चलो यार अब इसके डाउनलोड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो गाइस यार डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड किस तरीके से डाउनलोड करना है उसका ऑलरेडी मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हो। एंड डाउनलोड करने के बाद आप लोग वो ओपन कर लेना अपना जेड अर्चीवर एप्लीकेशन, एंड इसके अंदर आप लोग को वहाँ पे चले जाना जहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। मैंने रखा है इस वाले फोल्डर में, तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे जो भी फाइल है उस पर आप लोगों को सिंगल प्रेस करना है, एंड नाउ आपको सामने कॉर्नर में एक ऑप्शन आएगा, उस पर जैसे आप लोग प्रेस करोगे तो आपके सामने माइनक्राफ्ट का ऑप्शन आएगा, एंड जैसे आप लोग माइनक्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो आपका इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज यार आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।